प्रियंका जी आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से शादी की जो उम्र है वो 18 से 21 की गई, इस पर जो बयान शफीकुर रहमान बर्क दे रहे हैं और जिस तरीके से एसटी हसन समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी बयानबाजी? देखिए, मैं बेहतर समझती हूँ कि यहाँ पर उनकी प्रवक्ता बैठी है, वो उस बयान को एक्सप्लेन कर, परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि महिलाओं की जहाँ हम बात करते हैं तो ये महिलाओं का जो शादी की उम्र डिसाइड करने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि ये रूरल एरिया में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी लड़कियों खुद से सक्षम है कि वो अपनी शादी को 18 से नीचे या अब मान के चलिए 21 के पहले तो नहीं करती है, ये जनरल इशू है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज 7 सालों के बाद इस तरह की कुंडल आया, तो मैं समझती हूँ कि ये एक रीजन ये भी हुई कि आज महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जितना एक्टिव हो गई उसका भी असर दिखता है, क्योंकि महिलाओं की जहाँ पर उपेक्षा होती चली आई पिछले 7 सालों में आप देखिए कि महिलाओं के लिए ना ही उन्होंने कोई बराबरी का दर्जा दिया, ना ही प्रियंका गुप्ता जी इतना बच क्यों रही है सपा सांसदों पर कुछ बोलने से? नहीं, बिल्कुल बच नहीं रही, क्योंकि उम्मीद एक महिला होने के नाते हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम ये बातें आपको बुरी लगी होंगी जो कही जा रही है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आजादी होनी चाहिए। ठीक है, आजादी होनी चाहिए। नाजदारी खान जी, जिस तरीके से ये बयान आया है कि अगर जल्दी बेटियों की शादी नहीं हुई तो आवारगी का मौका ज्यादा मिल जाएगा, इतनी घटिया सोच क्या किसी सांसद की हो सकती है कि आवारा हो जाएंगी बेटियां अगर शादी 18 साल में नहीं कर दी जाएगी तो? अवधेश जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि पहले मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, उसके बाद आप बीच में इंटरप्ट करिएगा। पहले मेरी पूरी 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 बात सुन लीजिएगा। आप ये समझिए कि जिस प्रकार से 18 से 21 साल महिलाओं की लड़कियों की एज करी जा रही है शादी के लेकर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी एक बात है कि 18 साल से अब जो लड़कियां होती हैं उनको वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट इसलिए है 18 साल की अबव लड़कियों को, वो ये कहते हुए कि 18 साल की जब बच्ची बालिग हो जाती है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, वो अपनी सोच समझ से जो है वोट करती है। तो आप ये समझिए कि 18 साल की बच्ची को इतना समझदार माना जाता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट राइट वो प्रैक्टिस करे कि वोटिंग राइट को प्रैक्टिस करे। दूसरी बात ये भी माना जाता है, ये कानून है कि 18 साल की अबव जब बच्ची हो जाती है, बालिग हो जाती है, अगर उनके फादर की डेथ हो गई तो उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकती है और खानदान की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकती है। तो मतलब वो इतनी समझदार है कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। तीसरी बात, जब 18 साल की अबव लड़की कोई क्राइम करती है तो उनका मैटर जुवेनाइल कोर्ट में नहीं जाता, उनका मैटर जहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट में अगर जाए तो कम सजा मिले, शी इज ट्रीटेड लाइक एन अडल्ट। तो इन सब मुद्दों को लेकर जब आप कह रहे हैं, जब कानून बताता है कि 18 साल से अब जो लड़की है वो इतनी समझदार है कि वो वोट कर सकती है, वो प्रॉपर्टी, आवारगी शब्द पर आपत्ति आपको नहीं है क्या? ये बोला जाना चाहिए था क्या? मैं आपको बता रही हूँ, जरा सब्र तो करिए, मैं मेरी बात तो आने दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैटर है 18 से 21 साल जो उम्र का नहीं, मैटर तो बहुत बड़ा है मैम, बहुत चर्चा हो सकती है। आप आवारगी शब्द पर आपत्ति है या नहीं है? देखिए, आवारगी शब्द की भी मैं बात कर रही हूँ, पहले ये बात तो कर ले आपसे। तो आप ये समझे कि अब ये किस बात को क्रिमिनल क्राइम करे तो भी 18। मैडम देखिए, आप कितने इतनी अच्छे, आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, आप बातों को बहुत अच्छे से घुमा सकती हैं, उसमें कोई किसी को शक नहीं है। वक्त कम है, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पे जाना है। आप बताइए, आवारगी शब्द का विरोध आपकी पार्टी की तरफ से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम तो आवारगी शब्द का पूरा विरोध करते हैं। जिस प्रकार से भाजपा के एमपी एमएलए नेता कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश में आवारगी कर रहे हैं, इनके एमपी एमएलए रेप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ, हाथरस उन्नाव शाहजहांपुर उसी का रिजल्ट है, लखीमपुर में किस प्रकार से आवारगी की पिछले वर्ष। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने माना कि आवारगी शब्द का इस्तेमाल सही नहीं था और ये मानना भी चाहिए एक महिला होने के नाते भी, एक नेता होने के नाते भी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि आप लोग समाज से सीधे जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और प्रियंका जी आपका भी बहुत धन्यवाद।